नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों इंटरव्यू वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम रेलवे के एक CNW स्टाफ से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या काम होता है CNW में, उनको कितना पेमेंट मिलता है और कितना दिन अभी तक जर्नी वो पूरा कर लें। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू रहिए और आइए जानते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं आखिर क्या क्या काम करते हैं और कैसा रेलवे में काम। परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम मुर्मू। अच्छा, तो आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? हम संतरागछी में पहली बार ज्वाइनिंग किया फरवरी 2013 में। 2013 में RRC थे? नहीं, अप्रेंटिस थ्रू आए थे। तो अब पहले अप्रेंटिस द्वारा भी रेल में लेता था ना? हाँ। अभी भी लेता है ना? अभी भी लेता है, लेकिन पहले ज़्यादा कुछ लेता था। हाँ। अभी तो कम कर दिया है। अभी कम कर दिया, अभी ITI कंपलसरी कर दिया। तो आप अप्रेंटिस थ्रू किए थे 2013 में ज्वाइनिंग ना? हाँ। तो संतरागाछी में फिर आप कितना दिन काम किए? 4 साल लगभग। 4 साल वहाँ से फिर आप म्यूचुअल लगाए? म्यूचुअल ट्रांसफर आए टाटा। अभी टाटा में है? तो क्या वहाँ पे काम होता था संतरागाछी में? वही कोचिंग का काम होता था। ओ, तो आप उसमें भी अपर गियर में काम करते थे? नहीं, वहाँ अंडर गियर में गाड़ी का मेंटेनेंस होता था। हाँ। अच्छा, लीजिए पूरा मतलब सर्विसिंग होता है गाड़ी का? हाँ। जो भी खराब चीज़ रहे उसको बदला जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी आप टाटा नगर में हैं तो उसमें भी अंडर गियर में काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो SSC लॉन्ग चेंज कर दिया है, अपर गियर में दे दिया है। अच्छा अच्छा, अपर गियर का भी काम कर लेते हैं। जैसे कि क्या क्या काम होता है उसमें? अपर गियर में वही शीशा, दरवाजा, खिड़की देखना पड़ता है। ओ, तो जितना भी है मतलब आपको सीट टूटा उठा ना होना चाहिए। हाँ, वो सब, हाँ, देखना। फ्लस बल्ब नल उल सब आपको देखना रहता है? फ्लस बल्ब वो दूसरा, पाइपलाइन मिस्त्री देखता है। पाइपलाइन देखता है। हम कारपेंटरी वाला काम करते हैं। उसमें क्या क्या काम करना रहता है? उसमें ही दरवाजा, खिड़की, लेबोरेटरी डोर, ये सब टूटा नहीं रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं लेबोरेटरी डोर, बाथरूम का हो गया, दरवाजा, विंडो, ये सब ग्लास वाला टूटा हुआ रहने से आप चेंज करते हैं रेलवे का? अच्छा अच्छा, तो अभी आपका लगभग रेलवे में टोटल कितना दिन हो गया काम किया हुआ? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ, तो अभी आपका में ज्वाइन किया है? अभी ग्रुप बी में ही है। हाँ। अभी तक प्रमोशन नहीं मिला आपका? नहीं मिला अभी तक। पहले सुनने में आता था कि रेलवे में 3 साल या 4 साल में प्रमोशन हो जाता था, आपका इतना दिन हो गया तो प्रमोशन नहीं हुआ है? पता नहीं अभी मोदी सरकार क्या सिस्टम कर दिया है। ST कोटा होकर आपको प्रमोशन नहीं दे रहा ना? बताइए, इतना जो पहले बोला जाता था कि मतलब 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा, अभी आपका 10 साल हो गया, बताइए आपका प्रमोशन भी नहीं हुआ है, ये तो बहुत। आपका 10 साल हो गया, MSP लगाता है सुनते हैं 10 साल में, तो आपको MSP मिला? नहीं मिला, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भर के देना पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ना उसको दीजिए, लेकिन 10 साल हो गया, प्रमोशन तो देना चाहिए, ये तो बहुत मतलब डिवीजन का ही मनमानी है। नहीं, और जगह आपका जो मेट होगा हो गया होगा? हाँ, उन लोग ग्रेड बन गया। कितना पोस्ट आगे चल गया आपको? अभी हेल्पर में ही है। 24,200 है ना? अच्छा अच्छा, उसमें मतलब आपका जो हर इंक्रीमेंट जो होता होगा ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तब आपका इतना दिन काम के लिए रेलवे में काम किया, आपको कैसा अनुभव रहा, क्या काम करने में क्या क्या परेशानी हुई, या क्या सब सिंपल तरीके से लगता है? जैसे बाहर से लोग लगता है रेलवे का नौकरी बहुत ही चीप है, बढ़िया है, कैसा है अंदर से? रेलवे का नौकरी तो बढ़िया है, लेकिन वही स्टोर में सामान आता नहीं, गाड़ी मेंटेनेंस करने में दिक्कत होता है। मेंटेनेंस करने में दिक्कत होगा? होता है। मटेरियल सबका शॉर्टेज रहता है, ऑफिसर लोग ध्यान नहीं देता है। हाँ, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो भी मटेरियल शॉर्टेज उसको पूर्ति करना चाहिए ताकि कर्मचारी को काम करने में दिक्कत ना आए, और ऐसे आपको काम करने में कोई असुविधा नहीं है ना? नहीं। अच्छा अच्छा, रेलवे क्या क्या फैसिलिटी देती है? और जैसे आपको हाउस रेंट जो मतलब क्वार्टर नहीं लिया तो उसको हाउस रेंट देती है ना? हाँ, हाउस रेंट देता है, क्वार्टर नहीं लिया। आप क्वार्टर लिए हैं? हम क्वार्टर लिए हैं। आपको हाउस रेंट नहीं देता होगा? नहीं देता। तो उसमें आपका कितना लगभग कट जाता है? 4,000 लगभग। 4,000? अच्छा अच्छा, फिर आपका मेंटेनेंस चार्ज में भी लेता है? 500-700 रुपये ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो रेलवे का क्वार्टर कैसा रहता है, अच्छा रहता है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, अच्छा नहीं है, कब का पुराना क्वार्टर, सब पुराना रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। ये बात तो सही बोले, खिड़की उड़की गिर जा रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को तो अब पेंशन उन्शन नहीं मिलेगा? पेंशन तो नहीं मिलेगा, NPS NPS में आप लोग के दायरे में है। हाँ। तो सरकार से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, पेंशन मिलना चाहिए ना? पेंशन मिलना चाहिए, NPS हटा देना चाहिए। NPS हटा देना चाहिए।
जैसा कि इनका कहना है कि पेंशन मिलना चाहिए। सही बात है, इतना दिन रेलवे में सर्विस करते हैं, जो नेता लोग होते हैं वो 5 साल 10 साल में पेंशन भोगी मिलते हैं क्या? हाँ। और रेलवे में 62 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन ना मिले तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ। और एनपीएस का कोई लेखा जोखा नहीं है कि कितना मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों कैसा लगा इनके साथ जरूर करके बताइए, और इनसे जितना सवाल था मैं सवाल लगभग पूछ लिया हूँ। कितना पेमेंट मिलता है, कैसा क्वार्टर मिलता है, क्या काम करते हैं, कितना दिन काम किए, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और नेक्स्ट फिर आपका जल्दी वीडियो अगला बनाएंगे इनका। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।